आगम ज्ञाकाश महासत्री सुधा जी हमारे साथ में, परम पूज्य श्री दर्शना जी हमारे साथ में, महासत्री जी हमारे साथ में, परम पूज्य आकांक्षी देवी हमारे साथ में, महासत्री जी हमारे साथ में, चित्रमोहन जी साथ में, एक हिंदौ तत्व का जैन दर्शन में पूरा कहते हैं कि पूरा का पूरा दर्शन जो है ये नौ तत्वों में आता है। आपसे हम तो जानते हैं कि नौ तत्व क्या है और ये पूरा बड़ा महत्व है नौ तत्वों का। तत्व का मतलब ही होता है जो सत्य है, और सत्य कहीं पे भी जाए सत्य ही रहता है। नौ तत्व तो वैसे अलग अलग करके गिनाए हैं, वास्तव में दो ही तत्व है, जीव और अजीव। जीव और अजीव ये पूरे विश्व के, या तो हमारे जैन दर्शन के अनुसार पूरे लोक और अलोक, लोकालोक के दो मुख्य तत्व है। फिर दो मुख्य तत्व मिलते हैं तब जाके बाकी के सात तत्वों का निर्माण होता है। जी, इसमें धर्म अधर्म सारी जो व्याख्या सब सब है। सब है। जी जी, तो मैं चाह रहा था कि नौ तत्व पूरे के पूरे। नौ तत्वों में सबसे पहला है जीव तत्व, और पूरे सृष्टि के अंदर भी जीव ही एक ऐसा तत्व है कि जो खुद का भी प्रकाश कर सकता है और दूसरे का भी प्रकाश कर सकता है, खुद का भी ज्ञान कर सकता है, दूसरे का भी ज्ञान दे सकता है। ऐसा अगर नौ तत्व में कोई भी महत्वपूर्ण तत्व है तो वो जीव तत्व है, इसलिए सबसे पहले जीव तत्व को रखा गया है। पर जब तक जीव शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता है तब तक जीव को अजीव का भी सहारा लगता है, शरीर का सहारा लगता है, आहार का सहारा लगता है, संयोगों का सहारा लगता है, रोटी कपड़ा मकान का सहारा लगता है, है ना? तो सामान्य जनजीवन के लिए जो जरूरी है वो अधिकांश अजीव तत्व से ही जीवन बनता है, जीवन चलता है, जीवन यापन होता है। इसलिए जीव जब दिया है तो जीव के व्यवहार के लिए अजीव भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि अजीव नहीं होगा तो गति नहीं होगी, अजीव नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, अजीव नहीं होगा तो जगह नहीं मिलेगी, जगह देने वाला भी तो अजीव है, मूवमेंट कराने वाला भी तो अजीव है, स्थिर रखने वाला भी तो अजीव है, हाँ हमको भोग सामग्री देने वाला भी तो अजीव है, परिवर्तन करने वाला भी तो अजीव है। यानी अधिकांश जीवन यात्रा अजीवों से चलती है। आपने कहा कि परस्परो ग्रहो जीवाना, जीव का सूत्र नहीं है, परस्परो ग्रहो जगाना, पूरे जगत का ये सूत्र है कि दुनिया के ये सारे जो भी जीव और अजीव के छह घटक है, वे एक दूसरे को काम में आते हैं, एक दूसरे का सहायक बनते हैं, एक दूसरे के उपयोगी बनते हैं। जीव जीव का तो उपयोग करता है, साथ देता है, सहयोग देता है, माना जाता है, पर ये अजीव भी हमें साथ देता है कि नहीं देता है, देता है कि नहीं देता है? सिर्फ आप जीव लेंगे तो ये हमको क्यों काम में आता है, इसको क्या लेना देना आपसे? चश्मे हमको देखने में क्यों काम आता है, उनको क्या लेना देना है ना? तो वो भी इसी विश्व का एक अभिन्न घटक है, जो भाई भाई के नाते जीव और अजीव सत्य रूपी दुनिया के दोनों संतान हैं, भाई भाई है, इसलिए अजीव जीव को काम में। जितनी अच्छी मीमांसा तो जीव और अजीव ये दो तत्व मेन है, दोनों का मिश्रण हुआ। अजीव तो अपना साथ देके ना कोई आपसे पारितोषिक लेता है, ना पारिश्रामिक लेता है, और फिर भी आपको काम में आके वो सरक जाता है। पर एक जीव की ही एक ऐसी आदत बनी है अनादिकाल से कि करता कुछ भी नहीं है पर दावा सभी का उनके पास है, करने वाले दूसरे हैं पर दावा वो करता है। हाँ, खेती करता है, हल बैल जमीन बिया यानी बीज वगैरह, पर खेडूत कहता है, किसान कहता है कि खेती मैंने की। तो हर जगह पे कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का दावा
इंसान ही करता है, मनुष्य ही करता है, मानव जगत ही करता है, और ये दावा करता है इसीलिए बाकी के तत्व खड़े हुए। अगर जीव का ये दावा न होता तो जीव और अजीव दो रहते थे, पर अजीव का जब दावा आता है, जब दावा करता है, तो सीधी बात है कि उनको निसर्ग, जैसे आप जगत में रहते हैं तो आपको टैक्स चुकाना पड़ता है, तो निसर्ग का भी कुछ टैक्स होता है। अगर जीव अजीव की चीज़ों को अपने नाम से करने की कोशिश करेगा तो निसर्ग छोड़ता नहीं है, निसर्ग आपको टैक्स लगाता है, और उसी टैक्स का नाम है कर्म। कर्म आते हैं तो उनको कहता आश्रव तत्व, आने के बाद कर्म आत्मा के साथ बंध जाते हैं तो उनको कहा जाता है बंध तत्व। जीव तत्व हुआ, अजीव तत्व हुआ, आश्रव तत्व हुआ, बंध तत्व हुआ। अब जीव को अधिकांश प्रिय, हर जीव को सुख लगता है, तो सुख का कर्म आया, आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, तो सुख मिलेगा। सुख का हमें भुगतान कराने वाला अगर है तो वो पुण्य तत्व है, तो पुण्य आएगा। पुण्य कब आएगा? पाप नहीं करोगे तो इसलिए पाप तत्व आया, बराबर है। और हमें तो ये पुण्य पाप ये ठीक है, संसार का व्यवहार है, संसार में रहते तब तक पुण्य की ज़रूरत है, पुण्य पाने के लिए पाप नहीं करना है ये भी समझना जरूरी है। पर अंततोगत्वा जीव का लक्ष्य मोक्ष, और मोक्ष की यात्रा शुरू होती है संवर से, कि कर्म आने के जो भी दरवाजे हैं उनको आप बंद कर दीजिए, बस सीधा सा एंट्री को संवार दीजिए, एंट्री को आप बंद कर दीजिए, तो हो गया संवर। तो संवर तत्व आया, और जैसे ही संवर तत्व आया तो फिर कर्म आना बंद है, तो जो पहले आ चुका है वो क्या होगा, तो वे उपयोग में आते जाएंगे, निकलते जाएंगे, उनका निर्जरा यानी उनका क्षय होता जाएगा, तो निर्जरा तत्व है। और तो सभी कर्म निर्जरा हो गया तो मोक्ष प्राप्त है, अपने नव तत्व हो गए। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, बंध तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व। तो सारे के सारे नव तत्व आए दिन हमारे सामने हैं, पर जीव का जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य के अनुसंधान में हम सब संवर, निर्जरा और मोक्ष की यात्रा में अग्रसर हो। और जब तक ये यात्रा हमारे पास नहीं है तब तक शुभ कर्म करते रहे, शुभ भाव भाते रहे, मन वचन काया का सदुपयोग करते रहे, और पुण्यानुबंधी पुण्य